हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं राधे कृष्ण मंदिर। अरे मोहतरमा, अभी बहुत लेट हो रही खुद और मुझे बोलती है कि आप लेट हो रहे हो, जल्दी चलो। जबकि मैंने इसको बोला पहले तुम नहा लो, फिर भी लेट है ये। और मैं पीछे सबसे पीछे नहाया और अभी तक मैं सही। और चलो सैली, फटाफट चलो बेटा, जल्दी चलो सैली, चलो बेटा। फाइनली दोस्तों हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा यहां पे एक और मंदिर है, ये भूतेश्वर मंदिर, बहुत ही प्रचलित मंदिर है ये भी, जो कि पास में ही है। फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और यहां पे मंदिर जो है, ये मंदिर की जो मेन गेट है वो 7 बजे ओपन होती है। तब तक मैंने सोचा कुछ मैं आपको चित्रकला दिखा दूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनाई गई है यहाँ पे बाहर, मंदिर से जस्ट बाहर, काफ़ी सुंदर है। देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी। और अगर आप प्रसादी फूल वगैरह नहीं लेके आए हैं तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। और अब मंदिर की घंटी बज चुकी है, अब मंदिर ओपन होगी। ये प्रसादी की जो थाली है उसकी कॉस्ट, ये प्राइस है। तो दोस्तों अब हम वेट कर रहे हैं, हम सब लोग, काफ़ी लोग हम लोग वेट कर रहे हैं सब बाहर मंदिर खुलने का। और अब जस्ट मंदिर खुलने ही वाला है, ये देखिए गेट खुल गई लगभग। अब ये गेट खुलेगी और उसके बाद फिर पर्दे निकलेंगे सब। दोस्तों ये है डोनेशन बॉक्स, यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप डोनेट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये है परिक्रमा करने के बाद आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, जो कि सबसे पवित्र प्रसाद माना जाता है। ये है यहाँ के मेन गुरु, जिनकी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि काफी सुंदर है। दोस्तों हम यहाँ पे पूजा करके और आ चुके हैं वापस। ये सामान पूरा मैंने, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी शायद मैं यहाँ आया, और मुझे भगवत गीता, मैं काफ़ी जब से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ तब से मैं भगवत गीता ढूंढ रहा था, और वो मुझे मिल गया फाइनली, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा भी लगा। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये यहाँ पर प्रसादी मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, जो प्योर घी की होती है, तो आप यहाँ लेना ना भूलें। Thank you so much for watching. Bye bye.